सो हेलो गाइस, हियर आई एम विथ पार्ट 68 ऑफ आवर रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे एक बच्चे ने ये डाउट पूछा था, मुझे भी ठीक लगा क्वेश्चन, उतना मुश्किल नहीं है बट फिर भी अच्छा है आपके रिवीजन के लिए। तो मैंने बोला चलो, रियल एडवांस सीरीज बहुत दिन से रुकी हुई थी तो उसमें एक वीडियो इंक्लूड करते हैं। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है, काफ़ी फिजिकल के क्वेश्चन सभी हमने लिया हुआ है, आप एडवांस सीरीज फॉलो करिए अच्छे से। और हमारी जो प्रीवियस सुपर फाइव प्रॉब्लम वाली वीडियो थी, लास्ट वीक आई हुई थी ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई थी पार्ट 3, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पे वो वीडियो थी 5 क्वेश्चंस के, शानदार 5 क्वेश्चंस थे। आपका चैप्टर हो जाने के बाद आप उनको बहुत अच्छे से ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर वो आप 5 क्वेश्चंस अच्छे से बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो क्वालिटेटिव आने वाली है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनायंस आने वाली है, जल्द एक दो दिन में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करो, तरक्की करोगे। चलो तो आओ इस क्वेश्चन पे, खुद से ट्राई करो एक बार यार, खुद का एक सेल्फ इवेल्यूएशन किया करो बीच बीच में, ठीक है। तो चलो खुद से ट्राई करो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, अच्छे से पूरा अप्रोच समझेंगे, अप्रोच सॉल्यूशन को लास्ट तक ज़रूर देखना, अप्रोच समझोगे आप क्वेश्चंस का कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो, रैंडम क्वेश्चन है अच्छा उसका बच्चे का जो क्वेश्चन था वो ये था कि P11 आइडेंटिफाई करना था। मैं कहता हूँ कि पूरा P1 से लेके P11 तक अपन एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, तब बच्चों का ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा, ठीक है। चलो तो आई गेस आपने जैसे ही इसमें C4 जैसे ही आपने इसमें C4H8O देखा, 2,4-DNP के साथ ऑरेंज PPT आया, तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको समझ आ गया होगा, मेंस लेवल की रिएक्शन है। फिर आपने आयोडो फॉर्म के साथ येलो प्रेसिपिटेट देखा तो आपको ये भी फीलिंग आ गई होगी कि हाँ COCH3 वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ आपने ट्रीट किया तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। बस यहीं पे एक छोटा सा जगह है जहाँ पे कुछ बच्चे फंस सकते हैं, जो ठीक ठाक प्रैक्टिस किए होंगे वो निकल जाएंगे बच के यहाँ से भी। P1 P2 क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बनाता क्या एल्डिहाइड कीटोन्स, क्या बनाते हैं? अच्छा तो पहले बात तो ये समझ आ गया अपने को, C4H8O का स्ट्रक्चर तो पहले लिख लेते हैं अपन, ठीक है। C4H8O का स्ट्रक्चर जो कि समझ में आ रहा है अभी फिलहाल, तो वो ये है। C4H8O का स्ट्रक्चर जो समझ में आ रहा है वो कुछ ये है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और यहाँ पे बोल सकता हूँ C2H5, यही स्ट्रक्चर है समझ में आ रहा है ना। देन जब इसका मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीटमेंट कराया, जब मैंने इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीटमेंट कराया, हाँ तो आपको पता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर पूरा मैकेनिज्म है और अल्टीमेटली ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि दो चीज़ें बनी हैं, एक P1 बना है और एक P2 बना है, तो क्या दो ऑक्साइम बन सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। ऑक्साइम इज केपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑक्साइम जो बनेगा यहाँ पे इट विल बी केपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहले तो अपन नॉर्मली ऑक्साइम बना देते हैं, सी यहाँ पे C2H5 लगा पड़ा है, यहाँ पे मिथाइल लगा पड़ा है, सी डबल बॉन्ड यहाँ पे एन था और यहाँ पे एक एन के साथ क्या है H2OH, ओके तो यहाँ पे एक OH ऑक्साइम। देखो एक ये बनेगा और एक और बना लो, यहीं पे बना देता हूँ सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ OH, इधर मिथाइल और इधर C2H5। ये देखो अब इसमें से P1 P2 क्या है वो अभी फ़िलहाल नहीं पता, बट ठीक है आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा, ठीक है आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा। क्यों ना मैं P1 को ये मान लेता हूँ, जस्ट मान लेता हूँ, श्योरिटी नहीं आई है अभी, मान लेते हैं इसको P2 मान लेते हैं इससे, और चलो इसको पकड़ के अपन रिएक्शन कराते हैं आगे। क्या क्या रिएक्शन दिया हुआ है? ऑक्साइम है और आगे कराया जा रहा है कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीटमेंट। कंसनट्रेटेड एसिड क्या करेगा? ऑक्साइम का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टिपिकल बैकमैन रीअरेंजमेंट है, टिपिकल बैकमैन रीअरेंजमेंट है, एकदम सीधा साधा रिएक्शन। तो चलो हम P1 को वो P1 पकड़ के बैकमैन रीअरेंजमेंट कराते हैं,
C2H5C डबल बॉन्ड N, क्या होता था यहाँ से पानी निकल जाता था और माइग्रेट कौन करता था हमेशा, इसमें ध्यान है ना, कौन माइग्रेट करता था, बैकमैन रीअरेंजमेंट, बीच में डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो माइग्रेट कौन करेगा, पीछे से एंटी वाला ग्रुप। तो अगर इधर से OH निकलेगा तो ये एंटी वाला ग्रुप N की तरफ माइग्रेट करेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस को OH मिलता था और OH मिलके फिर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाती थी और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आपका बैकमैन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सिंपल रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म, आपको पता होगा। तो अगर मैं इसका बैकमैन कराता हूँ तो N के साथ CH3 जाएगा और C2H5CO, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, यही बना लें क्या, क्या बनेगा, N के साथ दोनों का ना अपन बैकमैन करा लिया, आपको बता दिया मैंने बैकमैन, और बैकमैन का मैंने फाइनल प्रोडक्ट अब बना देता हूँ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करूंगा तो N के साथ जाएगा ये देखो CH3 और ये आएगा तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ये आया, और इसका बैकमैन कराओगे तो क्या आएगा, C2H5 भागेगा, ठीक है, इसका एंटी C2H5 भागेगा और ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ओ N और C2H5, कुछ यहाँ भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आया। तो ये प्रोडक्ट है, क्या है ये, क्या नाम दिया हमने इसको, P1 P2 दिया था, तो P1 से बनने वाला ये P3 है और ये P4 है, तो चलो P3 हमने माना किसको, जो P1 से बना है, चलो अभी वो बस मान रहे हैं ना, आगे चल के पता चलेगा वो कि सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं, इसको P3 माना मैंने। अब इस P3 का क्या कराया है, अब इस P3 का हाइड्रोलिसिस कराया है, P7 P8 बनाया है, चलो P3 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, अमाइड्स है, हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या होगा, ये हटेगा, इधर से आएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का CH3CH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा अलोंग विथ, इधर से क्या मिलेगा बेटा, अमीन मिलेगा CH3NH2, ये अमीन मिलेगा, ठीक है, इधर आए अपन, P7 P8 मिला और ये जो अमीन है इसका एग्जॉस्टिव इथाइलेशन कराया जा रहा है, फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ एलिमिनेशन होती है, पता है आपको, ठीक है। तो P8 का जब मैं सोडालाइन डीकार्बोक्साइलेशन करा रहा हूँ तो मीथेन मिल रहा है, क्या यहाँ मीथेन मिलेगा, ये मेरा एसिड है, इसका जब मैं सोडालाइन डीकार्बोक्साइलेशन कराऊंगा तो मुझे मीथेन नहीं, मुझे इथेन मिल जाएगा। तो जो मैंने शुरू में एजम्पशन लिया था कि ये P1 है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो क्या कर दें, क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया क्या, अरे गलत कैसे कर सकते हैं, यहां देखो इसको P2 मान लो, इसको P1 मान लो, अब ये करेक्ट जाएगा, ठीक है, अब ये करेक्ट जाएगा। अब आप इसके साथ उस चीज को करके देखना, आई होप मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो क्या आइडेंटिफाई हुआ, क्या आइडेंटिफाई हुआ, P1 कौन वाला है, P1 ये वाला है जिसमें OH के एंटी में C2H5 है, P1 वो वाला है जिसमें OH के एंटी पे C2H5 है, C डबल बॉन्ड N OH के एंटी पे C2H5 है, ये देखो ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिया लोन पेयर, ये P1 है। और P2 कौन सा है, P2 है आपका C डबल बॉन्ड N और जिसमें OH के एंटी पे इथाइल है, C2H5 एंड लोन। अब इसके साथ आप रिएक्शन करोगे ना, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो P3 क्या आएगा, N के साथ यहाँ पे इथाइल और CH3C, तो P3, अब चलो P3 एक बार बना लेते हैं, ठीक है, P1 से बना है ना, P1 से बना है, तो ये इधर जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ऐसा मिलेगा कुछ। आई होप अब आप समझ गए होगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो ये तुम्हारा इधर जाएगा, ये CH3CO करके बनेगा, ठीक है, CH3CO करके इधर बनेगा, CH3CO इधर बना, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन C2H5NH हाइड्रोलिसिस होगी तो C2H5NH2 होगा, और C2H5NH2 होने के बाद क्या करोगे, एग्जॉस्टिव इथाइलेशन करा रहा है, तो क्या आपको समझ आ रही है बात, C2H5 होल 4 N+ I- कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके बाद Ag2O के साथ हीट है, एलिमिनेशन होगा विद अ बिट ऑफ कार्ब एनायन कैरेक्टर, और लिविंग ग्रुप कौन रहेगा यहाँ पे, ट्राई इथाइल अमीन, ये देखो ET
ये देखो ई टी, ये देखो ई टी, यहाँ पे प्लस और ये सी एच टू सी एच थ्री, तो ये देखो यहाँ पे एच। तो जब आप ए जी टू ओ डालोगे तो पहले तो ए जी आई का प्रेसिपिटेट अलग कर सकते हो आप, और प्रेसिपिटेट नहीं ए जी आई को अलग कर लो ऐसे सोचो, और फिर ओ एच माइनस जो है वो एच को हटाएगा, ये गिराएगा और यहाँ से आपका ये बाहर। तो देखो यहाँ पे सी एच टू सी एच टू मिला, कहाँ मिल रहा है सी एच टू सी एच टू, सी एच टू सी एच टू कहाँ आया, ये मॉइस्ट इसके साथ। तो पी टेन मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, बीच वाले आइडेंटिफाई हो ही जाएगी, देख लो बना दिया मैंने। और इधर से आऊँगा मैं पी थ्री, पी थ्री के साथ तो आपको वहाँ पे मीथेन भी मिल जाएगा इधर ही, है ना। इधर से ये मिल गया है और इधर से देखो क्या मिलेगा, इधर से आपको एसिटिक एसिड मिला, और ये तो बच्चे बच्चों को पता है यार, एसिटिक एसिड की सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो आपको मीथेन मिलेगा। तो ये आइडेंटिफाई हो गया, ऊपर भी कर दे क्या कुछ, ऊपर भी कर दे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये पी नाइन भी हो गया, ये सॉल्ट था अपना क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब पी टू के साथ हाँ ये भी हो गया, फिर पी फाइव पी सिक्स ये भी हो गया बहुत ईजी, और फिर पी सिक्स, पी सिक्स क्या बनेगा उधर वाला ना, तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड आया था ना, देखो ये प्रोपेनोइक एसिड आया था ना उसके साथ किए थे, तो प्रोपेनोइक एसिड का जब आप सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन कराओगे तो तुम्हारा बनेगा सी एच थ्री। अच्छा सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन नहीं करा रहा, शायद कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, ओके नो इश्यूज। और ये देखो इधर इसका कार्बिल अमीन आ रहा है, ये कार्बिल अमीन के साथ आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल, और ये देखो पी सिक्स के साथ आप सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो सी ओ एच के साथ, तो ऑब्वियसली रेडिकल बनेगा, डाइमराइजेशन होगा और सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, योर आंसर विल बी सी फोर एच टेन। शायद जो ऑप्शंस थे उसमें पी इलेवन ही पूछा था, बट हमने कोशिश किया है कि आपको पूरा रिएक्शन बहुत अच्छे से समझा दें। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच अ क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हमको ना क्वेश्चन को अपने लेवल पे नहीं देखना होता है कि नहीं यार मेरे लिए बढ़िया, कोई मेरे को बहुत टफ लग रहा है, मेरे को तो बताऊँ मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मेरे को टफ नहीं लगते, तो फिर तो मैं क्वेश्चन ही ना कराऊँ, अरे यार टफ नहीं है तो क्यों कराऊँ मैं बच्चों को, नहीं, हमको जेई एडवांस के रिस्पेक्ट में देखना होता है यार कि वो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में कितना रेलिवेंट है, ठीक है। मुझे तो ओलंपियाड के क्वेश्चन भी नहीं लगते कि मुश्किल है, तो अपन अपने लेवल पे थोड़ी ना बात करेंगे, हम बात करेंगे यार जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा सॉल्यूशन, और आप स्टे ट्यून्ड, क्वालिटेटिव का पीडीएफ, पीडीएफ नहीं भेजूंगा यार, नहीं तो अपना कॉपी वॉपी से ट्राई करके कर लोगे, वो वीडियो के साथ साथ आप सॉल्व करना, पीडीएफ तो बन गई है उसकी, तो क्वालिटेटिव अपन कल या परसों वीडियो डालते हैं उसकी, और रियल गैस स्टे ट्यून्ड फॉर रियल गैस ऑल्सो, रियल गैस की भी इस हफ्ते वीडियोज़ आएंगी अच्छी, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।